असातिज़ा प्रोफेसर हुमायूं जैसे टीचर को अपने प्रोफेशन के लिए बायस शर्म करार दे रहे हैं। एक ऑप्शन है वैसे तेरे पास, अगर तुम चाहो तो। हाथ मत लगाना मुझे। अगर तुम स्टैंड लेती प्रोफेसर हुमायूं की हिम्मत कितनी बढ़ जाती, इस बात का आइडिया है तुम्हें? आप खुद एक बेटी के बाप है प्रोफेसर हुमायूं। बाबा आप कल टीवी पर क्यों आ रहे थे? अगर आज वो शख्स अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता तो कल हमारी बहन बेटी में से कोई उसकी हवस का निशाना बनेगी। क्या कहती हो? डंक देखिए 23 दिसंबर से हर बुध रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। चेक करने में क्या हर्ज है? फायदा क्यों भाई, उसके पास नहीं निकले तो जाहिर है हमारे पास भी नहीं निकलेंगे। हारिस फिर भी मगर वेट तो लो, ये जो इनामी बॉन्ड है ना ये सिर्फ अमीरों के निकलते हैं। पुत्र देखने में हर्ज क्या है? अच्छा बाबा चलो देख लेते हैं, दिखाओ। हारिस दिल से देखो ना। आंखों से ना देखूं? मतलब ये कि अच्छी नियत रखोगे तो नाम निकलेगा। छोड़ दो, हमारा कोई बॉन्ड नहीं निकला भाई। बे मनुसा गौर ना देख। हमारा बॉन्ड निकला, ये देखो ये तो 1 करोड़ का निकला है। 1 करोड़? बड़ी नहीं मनु, मैं गल लगी आखर। अम्मा क्या हो गया, हमारा बॉन्ड निकला है, इसको ठुड्डा मार के घर से बाहर निकाल दो। अचानक खुशी से सिर चक्कर आ गए। अम्मा होश करो होश। अरे मैंने यकीन नहीं आ रहा हमारा नाम निकला है। हमारा इनाम निकला है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्यों क्यों है? ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रही हो। हाँ तो फिर पैसा किस लिए होता है? उजाड़ने के लिए नहीं होता। ना तो तूने कौन सा मेहनत से कमाया? नामी बॉन्ड तो मैंने अपने दोस्त से लिया था। हाँ तो मेरे 50,000 रुपए दे के लिए ना, तो 50,000 उसमें से काट लेना। ओ वाह 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 वाह, बड़े मीठ रहे हो। ओ बात सुनो, सारे पैसे ना हारिस मेरे। हाँ क्या? हाँ तो और की भाई, अगर मैं 50,000 रुपए ना देती तो नामी बॉन्ड भी ना देता। देखो मैं हूँ घर का सरबरा सिर्फ नाम के। ऐसा तो ना कहो, कभी मैं काम नहीं करता था। हाँ तो वो कभी करते थे ना। देखो ये पैसे तो सबके। क्या मतलब, पूरा मोहल्ला शामिल करना है क्या इसमें? देखो अब घर में जो कोई भी हो तो उसका हिस्सा तो शामिल है ना इसमें। ओ ना जी ना, एक भाई नहीं मिलेगी इसमें से किसी को। हाँ नीलम अच्छी तरह सोच लो, तुम्हें शोहर चाहिए या 1 करोड़? 1 करोड़। अब मेरा मतलब है कि पैसे तो हारिस हम दोनों के ही है ना, लेकिन तुम्हें बाप बनने की हर किसी जरूरत नहीं है। मैं अपने हिस्से में से अम्मा को कुछ दे दूंगा। ओ ना हारिस एक काम कर, घर के ना छोटे मोटे काम कर दिया कर, मैं ना तेनू पूरे 25,000 रुपए दे दूंगी। सही है, इतनी मुश्किल से काम में पैसा आया, अपना उस अपना दिखा। मैं अभी अम्मा से जाकर बात करता हूँ। और मैं भी हारिस से बात करती हूँ। सिर्फ 5 से 10 लाख वो कोई गल ही नहीं है, मैं हारिस नाल गल करनी। किसका फोन है? मेरा अपना है पुत्र। बात किससे कर रही थी? तेरे मामे से, उसे 10 लाख रुपया चाहिए बस। 10 लाख? हाँ उसने अपनी ती का ब्याह करना है। ये वही बेटी है ना जिससे मैं शादी करना चाहता था और मामू ने इनकार कर दिया था। आहो वही है। हारिस तुम्हारा के शादियों से पेट नहीं भरा? नहीं डार्लिंग, ये तुमसे पहले की बात है। बात सुनो, मुझसे पहले ऐसी कौन सी बातें दी है? देखो मैंने कभी तुमसे पूछा? चुप रहो। I'm really sorry. हाँ सोच के बात कही मुझसे, पता है पूरे 1 करोड़ रुपए का नाम है मेरा। हाँ वे मां दा इदे च की है? आप बस दुआ करे कि 1 करोड़ का 2 हो जाए। वैसे खाला आपने पैसों को क्या करना है? आज तेरा प्यो जिंदा होता ना ते ऐसे ना कहता मुझे। कुछ कह तो देते लेकिन मतलब उनका भी यही होता ना। पुत्र
तेरा प्यो बड़ा चंगा बंदा सी। तो आपका मतलब ये हाल है, ये अच्छा बंदा नहीं है? क्या चंगा है, जब भी पैसे आते हैं इसको याद कराती हूँ अपने प्यो की कबर ही पक्की करा दे। अम्मा आपको क्या हर दफा कबर पक्की कराने का ख्याल आ जाता है? ओए खाला, अब्बा कहीं नहीं जाते कबर से। हाँ ओए फिटे मुंह तुहाडा, कबर पक्की ना कराओ पर जुगतां ते ना मारो सस्तियां सस्तियां। नीलम मेरा ख्याल है कि हमारा फर्ज है कि मम्मा को भी कुछ ना कुछ तो दे। सारे पैसे बढ़ जाएंगे ना। हाँ सास पे बड़ी तकलीफ हो रही है, जा दे अपने। खाला तो फिर मेरे रिश्तेदारों तक पहुँच रही है। नीलम मैं बात कर रहा हूँ ना, एक काम करते हैं, हम इनको पाँच हजार दे दो। तेरा माल ही सिर्फ 5,000? अम्मा और भी दे देंगे, बहुत है हमारे पास। अब ये कौन है? अरे ये तो अलमास है जिसका प्राइस बॉन्ड पे इनाम निकला था। अब क्या करूँ, बात तो करनी पड़ेगी। जी आप कौन? हारिस। अरे कमाल है, आप मेरा नाम जानते हैं? तेरा दिमाग सही है। देखिए एक तो आप सफेद रंग के लड़के हैं, ऊपर से पहली मुलाकात में इतना फ्रैंक हो रहे हैं, खैरियत तो है ना? पहली मुलाकात? अरे कमीने, मैं तेरा दोस्त हूँ, दोस्त अलमास। अलमास अलमास, कहाँ सुना ये नाम? खारिश करने वाली क्रीमों के नाम होते ऐसे। अच्छा ये शक्ल देखी देखी नहीं लगती? ओ आप टीवी ड्रामों में तो नहीं आते? बेशरम आदमी, पैसा आते ही आंखें फेर ली। पैसा भाई? कौन सा पैसा? वो मेरा इनामी बॉन्ड है। इनामी बॉन्ड? यार कौन सा इनामी बॉन्ड? उफ तू इतना घटिया निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। और कोई अजनबी यूं आकर मेरी इस तरह बेइज्जती करेगा, मैंने भी ये नहीं सोचा था। अजनबी? अरे बेशर्म इंसान, मैं तेरा दोस्त हूँ, दोस्त दोस्त बिल्ली का गोश्त। आप लड़के ठीक नहीं लगते, आपका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप अपने घर का पता बताएं, आपको मैं फौरन घर छोड़ कर आऊँ। शराफत से ना इनामी बॉन्ड मेरे हवाले कर दो। किस इनामी बॉन्ड की बात कर रहे हैं आप भाई? वही जिस पर 1 करोड़ का इनाम निकला है। अच्छा यार किसका? तुम्हारा। मेरा? तो तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए क्योंकि वो मेरे इनामी बॉन्ड से निकला है। भाई साहब हमारा कोई इनामी बॉन्ड निकला ही नहीं कभी आज तक। अच्छा अच्छा ये देखो पक्का सबूत, ये देखो इनामी बॉन्ड के साथ सेल्फियां बनी हुई है। बेड़ा गर्क पे। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, देखिए ये हमारी सेल्फीज नहीं हो सकती, ये जरूर हमारे हमशक्ल होंगे। मेरे खुदाया तू कितना ड्रामेबाज है। जाओ यार तुम तो मुझे गंदे बच्चे लगते हो, हमारे घर वाले परेशान होंगे। जाओ। जाऊं कहां? इनामी रकम लेके जाऊंगा। कहां है तेरी बीबी? हट जा हट जा। अरे बात तो सुन ओ भैया। अरे यार मर गए। ओए बाइटन तुसी कौन हो? हमारे घर में ऐसे कैसे मुंह उठा के आ रहे हो? पता है तुम हमारा पर्दे वाला घर है। हाँ क्या यहाँ पे इम्पोर्टेड पर्दे लगे हुए? हाँ इसे कौन है? I don't know। ये बहुत बेशरम आदमी। ओए गाल सुन मेरी, तमीज से बात करो। अच्छा ये मेरे शौहर है और मेरा दोस्त है। दोस्त? मैं तो उसे जानता तक नहीं। देखो हारिस इससे पहले के बाद पुलिस थाने तक जाए, मेरा इनामी बॉन्ड वापस कर दो। इनामी बॉन्ड? हाँ हाँ वो जो निकला है। किसने निकाला है भला? महकमे ने। ओ जी तो फिर उससे जाके लो ना। मतलब उस पर इनाम निकला है? हाँ तो तू बैंक समझ के यहाँ पे कैश करवाने आ गया है। ओ बोलता क्यों नहीं, भाभी को बता के 50,000 के तूने इनामी बॉन्ड रखे थे। यार ये देख रहा पर तूने मानना नहीं। ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं। और जी हम मियां बीवी हैं, बातें शादी नहीं कर सकते क्या? मेरी तरफ से मुज़ाकरात करो लेकिन मेरी इनामी रकम मुझे दे दो। और जी कौन सी इनामी रकम है? अच्छा आप भी इसके साथ मिल गईं? भाई साहब आप मेरी बीवी से बात किस तरह कर रहे हैं? आप दफा जाइए यहाँ से। मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। खबरदार जो आपने मेरी वालिदा से बात की तो मैं उनसे बात करके रहूंगा। कैसे बात करोगे? तुम तो किसी काम से नहीं हो। या अल्लाह ये क्या नया मसला पड़ गया। एक घटिया और कमीने शख्स से शादी हो गई आपकी। ओए तू ये बकवास कर रहा था मेनू है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। एक नंबर का झूठा और मक्कार है। ओए मैं ना थप्पड़ खींच के मारूंगी। हाँ हाँ जोर से मारना और एक मेरी तरफ से ही मारना। नहीं उससे नहीं, तुम्हारे मुंह पे। तेरी जुरत कैसे हुई? तू गैर महरम से गुफ्तगू शनीद कर रही है तन्हाई में वो भी। ओए खाला गाल तो सुनो, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है कि मैं हारिस का दोस्त हूँ। हारिस का दोस्त? अस्सलाम वालेकुम माँ जी, मैं हारिस का दोस्त हूँ और आपसे मिलना चाह रहा था। क्यों? अम्मा जी मेरे इनामी बॉन्ड से इनाम निकला है और अब वो दे नहीं रहा। इनाम? हाँ जी मैंने उसे दिए थे और एक से इनाम निकल आया। नहीं नहीं इधर तो कोई इनामी बॉन्ड नहीं निकला। क्या यहाँ सब एक ही जैसे? ओ भाई जान जाओ तो तुम यहाँ से, कोई इनामी बॉन्ड नहीं। चलो खाना चलो। ये बदली का आसे आ खाना टूटे। हारिस हारिस मेरा फोड़ दो। खाला इसको देखो तो मैं ही देखा। हारिस अरे जालिमो
बॉन्ड वापस कर दो वरना मैं मर जाऊंगा। तो अपने घर वालों का नंबर दे, हम उन्हें इत्तला करेंगे। हाँ और अजनबी, वरना तो तुम लावारिस पत्रा दिए जाओगे और तेरी कब्र पे तो कोई दिया भी नहीं जलाएगा। तो मैंने कौन सा वहां नावल पढ़ने, कमीना इंसान, 1 करोड़ ने तुझे अंधा कर दिया है। किसने कहा है? मैं अच्छा भला देख तो रहा हूँ, सब देख रहा है लेकिन दोस्ती नजर नहीं आ रही। कोई बात सुने, हम आपको ना सिदाई के बीम रात पहुँचा देते, बाकी का इलाज तुम अपने घर में करो। ये मत सोचना कि इनामी बॉन्ड बच दूंगा मैं तुम्हें। लगता है आपको ना सख्त जहनी सदमा पहुँचा है। अरे 1 करोड़ से बढ़कर और क्या सदमा होगा। बस देखो, जहनी मरीज के जहन में कोई बात फंस जाए तो वही दोहराता रहता है। और नहीं तो क्या, जैसे आप इनामी बॉन्ड है, इनामी बॉन्ड की रट लगाए फिर रहे। अरे तो वापस क्यों नहीं करते? हारिस मैं तो कहती हूँ उसकी तस्वीर खींच के ना सोशल मीडिया पे डाल दो, जिसका भी होगा ले जाएगा। कमीनो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या कहोगे पुलिस से? मैं सब बताऊंगा कि तुम लोग मेरा 1 करोड़ हड़प कर रहे हो। भाई हम तुम्हारा इलाज करवा रहे हैं, पुलिस आएगी ना तो सीधा पागल खाने छोड़ देगी। हाँ ये भी तो हो सकता है कि तुम लोग हवालात में हो। देखो हम ना 50-50 भी कर सकते हैं। 50-50? हाँ, 50 लाख तुम रख लो और 50 लाख मुझे दे दो। और ना ना भूल जाओ। बिल्कुल भी नहीं। आरिस, मैं तो कहती हूँ उसका बंदोबस्त करो, तुम्हारे मत्थे लग जाएगा। क्या करें? अलमास अलमास बॉबी, है कौन आ गया? लाइफ तो बन गई जलेबी, लाइफ तो। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, यही घर है। ओ जी, कौन सा घर? इसी घर का कहकर मेरा शोहर आया था। और बीबी बात सुन, कौन सा शोहर? हर औरत का एक ही शोहर होता है। हाँ लेकिन मैनू की पता? अलमास। तुम्हारा नाम अलमास है? अलमास मेरे शोहर का नाम है। और उसने इसी घर में आने का कहा था और वो अभी तक वापसी नहीं आया। हमारे घर में? जी। ओ जी बात सुनो, आपको ना कोई गलत फहमी हुई है सीधी सीधी, इस घर में तो फिर हमारा ही शोहर आता है। अरे इसका ये कहना है कि कोई इनामी बॉन्ड निकला है। ना ना ना, हमने नहीं निकाला। ओ यानी उस पे इनाम निकला है? इनाम ले तो फिर इनामी बॉन्ड पे इनाम ही निकलना है ना, कौन सा तेल निकलना है जमीन से? तलाशी ले जी। बात सुन, तो फिर भी घर की तलाशी कैसे लोगे? सर से वारंट है तेरे पास? ओ बीबी, मुझे कानून ना सिखा, घर की तलाशी लेनी है मुझे। ओए पर किस लिए? शोहर के लिए। कर लो बैल, आपका शोहर भी घर नहीं आया। और अपने नहीं, किसके शोहर की बात कर रहा हूँ मैं? हाँ पर इसके शोहर की आपको क्यों फिक्र है? ओ इसने थाने में रिपोर्ट की है और तुम सब हवालात जा सकते हो। हवालात में? हाँ जी, पीछे हटिए। ओ जी बात तो सुनो। हाय मैं मार गई। डॉक्टर को क्यों जी? बस जी, दिल का मामला है जी। इस उम्र में दिल का मामला? अब नहीं, मेरा नहीं जी, एक पागल सा बंदा घर में घुसा है, उसके दिल का मामला है। हाला चुप कर जाओ, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों चुप करूं, मर जाएगा वो बंदा। कौन सा बंदा? वही जी, उसने दिल पे हाथ रखा और कह मतलब क्या है जी? बस जी लुढ़क गया। लुढ़क गए? कहीं मेरा बंदा तो नहीं? ओ नहीं जी, वो ना हम साए में ना किसी बंदे को ना दिल का दौरा पड़ गया। हाँ मेरा बंदा कहाँ है? मेरा बंदा? इनसे पूछें जी। ओ जी काम करो ना, हाला आप उनके साथ बातें करो, मैं चलती हूँ। अरे आप कहाँ चली? ओ जी बंदे को होश दिलाना। होश दिलाना? ओ जी अपने बंदे को। अब आप मुझे सच सच बताएं कि इसका शोर इस घर में है? यकीन करें, मुझे तो अभी पता चला कि ये शादीशुदा है। अरे भाई शादीशुदा है तभी तो अपने शोर को ढूंढने आई है ना यहाँ पर ये। मेरा शोहर इसी घर में आया था इनाम की रकम लेने के लिए। इसका शोहर है? बताइए, वो इसी घर में आया है? यकीन करें मुझे नहीं पता। ठीक है, खैर करी ये छापा पे गए बैठे बैठाए। होश कर मेरी जान, होश कर। अरे छेती करो, छुपा दो। क्यों? वो इसकी बीवी पुलिस के साथ आई है। अच्छा क्या? पुलिस? हाँ वही तो, अब क्या करे? मुझे क्या पता क्या करें? कहाँ है सब? पुलिस आ गई। अरे से काम करो, उसका ना मुंह छुपा दो, वो कुशन कुशन है। हाँ कुशन से। मेरा शोहर कहाँ है? कहाँ है मेरा शोहर? कम से कम मैं नहीं हूँ। और जी आप पूरे कार की तलाशी ले लो। वो तो मैं ले ही लूंगा। ये कौन है? ओ जी ये ना शोहर है। हाँ है, ये मेरा शोहर है।
ना जी ना, ये तो अपनी बीवी का शोहर है। और लेकिन ये है कौन? सर इंसान होगा। अब ओए, जब अगर ये शोहर है तो फिर इंसान कहाँ रहा? अच्छा वैसे बात आपने बहुत पते की है, ये यहाँ कर क्या रहा है? ओ, मुझे ये सो रहा है। दिन में? रात को चौकीदारी करते हैं ना इसलिए। तो फिर यहाँ क्यों सो रहा है? ओ जी, हमने तो लाख से दफा समझाया कि बिस्तर पे जाके सोई। लेकिन इसे सोफे पे सोना अच्छा लगता है। इसका मुंह तो दिखाओ जरा मुझे। दफनाने दे सर, जैसा भी है गोली मारे। बकवास बंद कर, इसके मुंह से। अलमास, मेरा शोहर अलमास। तुम जानते हो जुर्म कितना बड़ा है ये? दो शादियाँ करना, झूठ बोलना। सभी तो जानते हैं कि मेरी दो दो बीवी है, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? उसे तो घर में छुपा के कहता है कि ये चौकीदार है। इंस्पेक्टर साहब, हम समझे कि कोई चौकीदार है। अगवा का मुकदमा बन सकता है। ओ जी, हमारा कसूर क्या है? उसका इनामी बॉन्ड कहाँ है? इनामी बॉन्ड? कौन सा इनामी बॉन्ड? ओए देखो, ए, मुझे सख्ती पे मजबूर ना करो, इनामी बॉन्ड तुम्हारे पास ही है। सर ये आप किन चक्रों में पड़ गए? आहो ओ जी, बात सुने, आप ना उन चक्रों में पड़े जिसमें आप पढ़ते होते हैं। कौन से चक्रों में? ओ जी वही मुक-मुक आके। ओए मुझे रिश्वत की ऑफर कर रहे हो तुम लोग हैं? ओ जी तौबा तौबा तौबा, रिश्वत और पुलिस को, जिसने कभी रिश्वत ली नहीं। मुझे गुस्सा ना दिलाओ तुम लोग, वरना आप रिश्वत ले लेंगे। ओए मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, समझा? ओ जी सब ऐसे ही कहते हैं, आप ये बताएं कि आपकी खिदमत क्या करे? एक पेटी, दो पेटियाँ? ओए अभी मैं पुलिस की मोबाइल को बुलाता हूँ और तुझे अंदर कराता हूँ। ओ जी की गल करते हो आप, हम इतनी रिश्वत थोड़ी देंगे आपको कि मोबाइल मंगवानी पड़ जाए। ओए तुम सबों को मैं हवालात में डालूंगा, वरना जल्दी जल्दी बताओ इनामी बॉन्ड कहाँ है। अच्छा फारिस, बॉन्ड कहाँ है दसो ना, तमाशा बंद करो। और दो मिनट में तुम लोगों ने नहीं बताया ना, तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। अब वो बात ये दरअसल की है ना, वो बॉन्ड ही नहीं मिल रहा है। क्या? ओ जी इंस्पेक्टर साहब, बस की बताएं आपको, उस बंदे ने आके ऐसी खप मचाई कि पता नहीं चला हमने बॉन्ड किसे रख दिया। अच्छा हमने अपनी तरफ से बड़ा संभाल के रखा था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। ओए वो तो मैं अभी घर के अंदर ढूंढ लूंगा, पूरे घर की तलाशी लूंगा, और हाँ तुम में से कोई बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हारिस कहीं वाकई बिना ढूंढ ले, देखते हैं। शहर के सब भूल चल गए, खुशियों के तो लाल बन गए, एक जाने एक अनजाने में दो दो बारी सूली चल गए, एक दिल से एक मोटर में दो तरफा ये टेंशन है, करके देखा हर जतन है नहीं रखी जो ये। कहाँ छुपा दिया इन लोगों ने? ऐसे नहीं बताएंगे ये लोग, उनकी चित्रौल लगाएं। ओए ये भी क्या बात कर रही हैं आप, ओ इसमें खवातीन शामिल है। उस बंदे की तो करें। हाँ हाँ हाँ, उसकी तो सही से चित्रौल हो सकती है। मुझे लगा था मेरा ही बंदा ठीक है, लेकिन ये तो उससे भी बढ़कर है। ये क्या कह रही हो तुम? सॉरी जानू, जो मुँह में कह देती हो मौका महल तो देखा करो। ये कब से तुम्हारा दोस्त है? दोस्त नहीं है जी, शोहर है मेरा। ओए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा उसे क्या रिश्ता? मैं आपसे नहीं, आपके शोहर से पूछ रहा हूँ। 5-6 साल से दोस्ती है जी। और आपको पता नहीं चला कि वो इतना बेईमान शख्स है? देखने में तो शरीफ आदमी लगता है। देखने में तो ये भी शरीफ लगते हैं। और मेरी मिसाल देना जरूरी है? अब मिसाल तो करीब की दी जाती है ना। ओह मैडम, ओ इस मामले को अपने तक ही रखे आप। अब कहाँ अपने तक जी, मेरा बॉन्ड निकलवाए प्लीज। निकल तो गया है। उनसे निकलवाए, लेकिन अब करूं क्या? क्या फांसी चढ़ा दूं उन्हें मैं? उन्हें आप ना हवालात दे दें। किस बुनियाद पे ले जाऊं उसे हवालात? क्या सबूत है तेरे पास कि तूने उसे बॉन्ड दिया था? सबूत तो कोई नहीं है जी। सर जी 1 करोड़ का इनाम है, हम 20 लाख आपको दे देंगे, अब तो किसी सबूत की जरूरत नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, अब शायद कुछ हो जाए, देखता हूँ। तो बस उनसे हमारा प्राइस बॉन्ड निकलवाए। देखो मैं अब क्या करता हूँ, तुम घर की तलाशी जारी रखो और तुम मेरे साथ। अब आपको यकीन आ गया कि हमारे घर में कोई नामी बॉन्ड्स नहीं है? ओ अभी बताता हूँ मैं तेरे को, रुक जरा। ओ शफी मोहम्मद, ओ बड़ा डाला भेजो है बड़ा, और साथ में कोई लेडी पुलिस भी भेज दियो। लेडीज पुलिस हो क्यों? अब तुम सब हवालात जाओगे। नहीं पुत्र हमने नहीं जाना, मेहरबानी। क्यों? नहीं पुत्र हमारा तो वहाँ जानने वाला कोई है ही नहीं। ओए वो तो तुम 2 दिन में सबको जान जाओगे। ओ 1 करोड़ का फ्रॉड किया तुम लोगों ने, 1 करोड़ का। 1 सेकंड, आप मुझे बता सकते हैं कि इसके पास सबूत क्या है कि इनामी बॉन्ड इसने मुझे दिए थे? वो तो अदालत देखेगी, हम तो पुलिस है जी, तफ्तीश करेंगे। हाँ जी, पूरा घर छान मारा है, पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है। ओए तू बताता क्यों नहीं है? अच्छा पता है क्या, मुझे नहीं याद आ रहा। 1 करोड़ है, तुम्हें क्यों याद आएगा? अभी पुलिस की गाड़ी आ रही है, पता चलेगा। मैंने क्या किया जी? तेरे लिए नहीं है, इनके लिए। इनके लिए तो मैं कहता हूँ ट्रक मंगवाए और इनको शहर से बाहर फिंकवा दे। अच्छा एक्सक्यूज मी अंकल, मैं कहना ही चाह रहा था
अगर आप प्लीज मुझ पे थोड़ा रहम करें, मेरी टू छोटी छोटी सी बीवी अंकल वो नहीं नजर आती था ना, छोटी है। ओए तू फिकर ना कर, वो दोनों भी तेरे साथ ही होंगी। अच्छा अंकल, वैसे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि लेडीज और जेंट्स की अब मिक्सचर भी होती है। ओए तू पहले हवाला से चल, फिर तुझे मैं बताता हूँ। अच्छा अंकल, आप मेरी बीवी को तो प्लीज छोड़ दे। बखैर तो मां दी भी गल कर लिया कर, आप जरा बड़ी है ना, तो वो वहाँ गुम हो जाएंगे, फिटे मुँह हो जी औलाद। तुझे इतनी फिक्र है तो मेरा बॉन्ड वापस क्यों नहीं करता? ओए एक करोड़ की रकम है, ये तीसानी से वापसी नहीं करेगा। चलो मेरे साथ चला तू। वे थानेदारा, वे मेरा पुत्र बेकसूर है। ए, चलो थाने चलो, पुत्र बेकसूर है। देखो हारिस, अभी भी वक्त है, मेरा बॉन्ड वापस कर दो। यार तुम कौन हो? अबे मैं अलमास हूँ, तेरा दोस्त कमीने। मैं तो किसी अलमास को नहीं जानता। इंस्पेक्टर साहब, इसको फौरन हवालात लेके जाएं और 10 छितर मारें। ओ पहले अंदर लेके चलो, फिर सबको साथ लेके जाऊंगा। अंकल अंकल, थाना छोड़े जू चले। चला ओ, कितने ढीठ हो तुम लोग हैं। हवालात जाना गवारा है तुम्हें, लेकिन बॉन्ड नहीं दे रहे हो। कौन सा इनामी बॉन्ड? ओ मुझे तो ये लोग कोई आधी मुजरिम लगते हैं। मिल गया, मिल गया, मुझे प्राइस बॉन्ड मिल गया। ये था कहाँ? ये वॉशरूम में था, अखबार में लिपटा हुआ था। दिखाओ इधर। ओए किसने कहा कि इस पे इनाम निकला है? क्यों? क्यों? ये तो बॉन्ड भी नकली है और ये अखबार भी। क्या? क्या? और इनाम निकलने की खुशी में तुमने ये भी नहीं देखा कि ये असली है या नकली? अरे वाकई ये तो नकली बॉन्ड और नकली लिस्ट है। अरे मेरी शॉपिंग और तेरे मामे के पैसे। जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते वो तो दुनिया आखिरत दोनों में ख्वार हो जाते। बेटे तो माँ बाप की बुढ़ापे का सहारा बनते हैं और तुम हो के हमसे सब कुछ छीना चाहते हो। हकीकत यही है कि आपको इस लम्हे में मेरी नहीं, मेरे पैसों की जरूरत है। इतनी बेहस नहीं हूँ कि एक बेटे को उनके माँ बाप से अलग करके खुश हो जाए। आप लोग समझ के नहीं रहे, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। आप इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल सकते हैं? इस वक्त मेरे बच्चे मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। दाल का वास्ता है, मेरे शौहर का खून चूसना बंद करें। निकलो यहाँ से, खुदा के वास्ते निकल जाओ। मैं कह रहा हूँ कि मत छोड़। जो कुछ कर सकता था मैं अपनी औलाद के लिए सब कर दिया। रोना नहीं गम से ऐ जिंदगी। औलाद देखिए 22 दिसंबर से हर मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। ओ जी बस की गल करे, उस बंदे ने आके ऐसी तब ऐसी अपना तफरी डाली के पता ही नहीं चला बॉन्ड कहाँ गुम गया, कहाँ रख दिया। ऐसी नहीं बताएंगे, ये उनकी चित्रौल करें। कंबल किया है ना मैंने, कंबल किया, कंबल किया, कंबल किया। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं।